की रिपोर्ट जब बनाएंगे तो पैसे देंगे आप 25,000 सर नोएडा में। मैं आपसे ये कह सकता हूँ और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि करप्शन इतना किसी सरकार में नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार का हर रिकॉर्ड टूटा है और ये फेक इनकाउंटर की खबर आना पहली बार नहीं हुई है। याद कीजिए आगरा में एक बार पुलिस के लोग तय कर रहे थे कहाँ पर गोली मारने में कितना पैसा वसूला जाएगा और इसी शहर में यहीं पर याद कीजिए सबसे पहला फेक इनकाउंटर एक हुआ था सुमित गुर्जर का हुआ जिसकी बगल के जिले में थी सुमित गुर्जर की। उसके बाद एक सुमित यादव का यहाँ हुआ जिसको आज भी जितेंद्र यादव जो अभी भी नहीं चल पा रहा है। तो क्या ये जानकारी में नहीं है जब कभी भी जाँच होगी सुमित गुर्जर के केस की जब कभी जाँच होगी यहाँ पर जो एक ट्रेनर था जिम में उसकी बहुत सारे अधिकारी लोग जेल जाएंगे। सर पहले जब आपकी सरकार थी आप कभी गौतम बुद्ध नगर नहीं आए मगर अब जब सरकार नहीं है पिछली सरकार के समय में नहीं आए सर कभी गौतम बुद्ध नगर। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री को रहने की कोई जगह नहीं थी जब तक जगह बनाई तब तक सरकार चली गई। सर मगर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी थी उस समय। नहीं नहीं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी मुख्यमंत्री के रहने के लिए उसके लिए न कोई निवास था न कार्यालय था न कोई अच्छा गेस्ट हाउस था जी। तो मुझे याद है उसी समय एक गेस्ट हाउस को बनाया गया था सर, जब तक बनकर के तैयार हुआ हमारी सरकार चली गई। अब उसको देख भी नहीं सकते उसको बर्बाद कर दिया सरकार। सर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं जो लोग ये कहते फिर रहे कि राम सिर्फ उन्हीं के हैं वो राम से प्यार नहीं करते सबका। भगवान की कोई सीमा नहीं है कोई बांध नहीं सकता है। हम किसी भगवान को मानना चाहे कैसे आप रोक लोगे। हमारे तो इतने देवी देवता है हम तो जिसको चाहेंगे उसको मानेंगे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता कि आप इसी भगवान को मानेंगे। निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है आरक्षण मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। ठीक है क्या कहना चाहेंगे। देखिए ये बात कोई पहली बार नहीं हुई है जी। अगर आपको याद हो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है उन्होंने प्रशासन और सरकार का साथ लेकर के अरे माइक नीचे कर पहले तो झूठे मुकदमे लगवाए और कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर प्रशासन ने और शासन ने मिलकर के समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता ली है। आप याद कीजिए मोहम्मद आजम खान साहब उनकी सदस्यता गई उनके बेटे अब्दुल्ला उनकी सदस्यता गई इसी तरह समाजवादी पार्टी के जो सिटिंग है और एक अधिकारी बुलाया गया बाहर से लाया गया दूसरे प्रदेश के कैडर के अधिकारी को बुला करके ये निर्देश दिए शासन ने और सरकार ने कि आपको इसकी सदस्यता लेनी है। अभी दो दिन पहले अगर आपको याद हो विधायक इरफान ने खुद कहा कि ये मेरी सदस्यता लेना चाहते हैं इसकी वजह से अन्याय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है और अगर हम इसी तरह देखेंगे अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं महंगाई बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। 2024 के चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री दौरे में हैं रोपवे वगैरह तमाम करोड़ों योजनाओं शिलान्यास कर रहे हैं। अच्छा जनता सब जानती है चुनाव आ गया है तो शिलान्यास होगा। सवाल ये था अब तो उद्घाटन होना चाहिए था। जिस सरकार को इतने सालों साल काम करने का मौका मिला हो 10 साल की सरकार हो गई दिल्ली की यूपी के 7वां बजट अब आया है तो 7 बजट वो और 10 बजट वो 17 बजट का हिसाब किताब वो भी 24 से पहले इस तरह के आयोजन करना केवल वोट के लिए। और जनता ये जानती है कि महंगाई इन्होंने बढ़ाई बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई किसान की आय दोगुनी नहीं हुई लॉ एंड ऑर्डर में इनका फेलियर है विदेश पैसा लेके भाग गए बैंक्स ख़त्म हो गई हैं। इनका जवाब है क्या सरकार के पास। बिजली महंगी इनकी सरकार में सिलेंडर इनकी सरकार में महंगे क्या जवाब है इनके पास इसका। सर केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि अखिलेश यादव मेरी हत्या करवा सकते हैं उस बारे में हम समाजवादी लोग किसी की हत्या नहीं कराते हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की हत्या करने की शुरुआत कर दी है। और जहाँ तक हमारे जो डिप्टी सीएम हैं, डिप्टी सीएम को कोई मरवाने वाला नहीं है, उनका झगड़ा तो मुख्यमंत्री जी से है। अगर उनको जान का खतरा हो, कुर्सी का खतरा हो, तो वो किससे है? मुख्यमंत्री जी से, हम लोगों से नहीं है। हम दोनों कुछ दे सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। अरे हम लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो जानते नहीं। आपने कल खुद कहा था कि हम अखिलेश जी को सम्मानजनक शब्द से कहते हैं और वो हमें जहरीले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जहरीला शब्द इस्तेमाल किया हो तो बताइए, क्या जहरीला लगता है उन्हें? मैंने कोई जहरीले शब्द से उन्हें कहा हो तो बताओ। हम तो यही कहते हैं कि उनको सम्मान